बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तंपुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं वंदना करती हूँ उन गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की जो कृपा के सागर व नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन माया मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भाइयों बहनों, क्या हम सभी कल्पना कर सकते थे ऐसे पवित्र शुभ विचारों से परिपूर्ण भक्ति मार्ग पर चलने वाले इस सुंदर जीवन की? परंतु इस घोर कलयुग में भी जिन्होंने हमारे जीवन को भोग से योग की तरफ मोड़ दिया, यह चमत्कार किया हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने। हम सभी जीव इस संसार के विषयों में आकंठ डूबे पुकार रहे थे कि कोई आए और हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें शाश्वत सुख का मार्ग दे। तब उस समय जिनके पावन कोमल और सुंदर चरण हम तक पहुंचे वो कौन थे? हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। श्री चरण गुरु आपके हम में नया उत्साह जगाते, चरे वेति पाठ हम सबको पढ़ाते। ये गुरुदेव के श्री चरण ही हैं जो हमें उत्साहित करते हैं, निरंतर इस भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु भाइयों बहनों, केवल यह बात हम ही नहीं कह रहे, बल्कि समस्त धार्मिक ग्रंथ शास्त्र पुराण वेद इन सभी में गुरु चरणों की महिमा भरी पड़ी है। भक्तिमती मीराबाई जी सदा अपने एक तारे पर यही गुनगुनाया करती थी, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। और गुरु साहेबान तो ये कहते नहीं थकते, गुरु के चरण धोए धोए पीवा, कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। यदि जीवन में शांति सुख आनंद प्रेम परमानंद चाहिए तो एक ही सूत्र है, गुरु चरणों से अगाध प्रेम। युगावतार भगवान श्री कृष्ण वो स्वयं पांडवों के अश्व मेघ यज्ञ में संतों के चरण प्रक्षालन की सेवा ग्रहण करते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ मुनि के चरणों तक को ग्रहण कर धन्य धन्य हो गए और क्या कहते हैं कि जिन भी भक्तों ने गुरु के चरणामृत की एक बूंद का भी पान कर लिया वो बड़े भाग्य वाले हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। और गुरु भक्तों, श्री रामचरितमानस में भगवान शिव माँ पार्वती को समझाते हुए स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला, कि उन शीशों को तो कट कर तुम्बी के फल के समान गिर जाना चाहिए जो श्री गुरुदेव और भगवान के चरणों में नहीं झुकते। ऐसी है गुरु चरणों की महिमा। एक साधक ने गुरु महाराज जी से यह प्रश्न किया, महाराज जी यूं तो गुरुदेव का संपूर्ण व्यक्तित्व ही कृपा से भरा होता है, परंतु फिर भी गुरु चरणों की इतनी महिमा क्यों गाई गई? महाराज जी बहुत ही सुंदर सहज और रस भरे शब्दों में
व्याख्या करते हैं कि जिस प्रकार यदि बाल्टी को जल से भरना हो तो उसे नल के ऊपर रखना होगा या नल के नीचे। स्वाभाविक है कि नल के नीचे ही रखना होगा। इसी प्रकार यदि एक शिष्य को अपने हृदय रूपी गागर को भरना है तो फिर उसे भी गुरु के चरणों तक झुकना होगा, उसे अपने अहंकार का नाश करना होगा, विनम्र होना होगा, निमाना होना होगा। अब क्योंकि गुरु के स्वरूप में सबसे तल में चरण ही होते हैं, यही वह उत्तम स्थान है जहां एक शिष्य को अपना शीश झुकाना चाहिए और इन चरणों में ही वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु भक्तों, गुरु के चरण जो अति पावन है, जो अति सुंदर है, जो अति पवित्र है, कोमल है, जिनका स्पर्श प्राप्त करके जड़ता भी चेतना में परिवर्तित हो जाती है। मुझे आज भी वह समय याद आता है जब श्री गुरु महाराज जी नूर महल से दिव्य धाम आया करते और हम सब महाराज जी का दर्शन करने के लिए उनके कक्ष के बाहर आकर खड़े हो जाते। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती नजर नहीं आती कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि महाराज जी आज बहुत व्यस्त हैं। और उस समय हम अपने नेत्रों को मूंद कर बार बार महाराज जी को हृदय से प्रणाम भेजते और एक युक्ति लगाते। सेवादार भाई के हाथ महाराज जी के चरणों में एक संदेश भेजते कि महाराज जी हमें प्रणाम करवा लीजिए। और जब वह सेवादार भाई हमारा संदेश लेकर जाता तो महाराज जी का भी संदेश आता, आशीर्वाद प्रणाम स्वीकार है। गुरु भक्तों, इसलिए एक भक्त गुरु चरणों से प्रेम करता है क्योंकि वो जानता है कि गुरु के हृदय के द्वार खुलवाने हैं तो फिर उनके चरणों से होकर ही वह मार्ग जाता है। इसलिए भक्त गुरु के चरणों को प्राप्त करके इतना माला माल हो जाता है कि वो उसके सिवा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं करता। ये घटना है त्रेता युग की। जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो उनके साथ अन्य वानर भी वापस आए और उस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने सभी वानरों को अनेकों प्रकार के उपहार वितरित किए, किसी को कंठहार, किसी को मुद्रिका, किसी को अन्य कोई। और अब बारी आई हनुमान जी की। देखिए गुरु भक्तों, कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक बात है। हनुमान जी को देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, बताओ हनुमंत, मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? अब हनुमान जी कितने भोले हैं, वो कहने लगे, प्रभु मुझे उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो पद चाहिए। जितने सभासद थे वो हैरान हो गए, उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया, अरे हनुमान जी तो निष्काम सेवक हैं और वो पद की मांग कर रहे हैं, ये आज हनुमान को क्या हो गया है? और इधर श्री राम मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ हाँ हनुमान, बताओ तुम्हें कौन सा पद चाहिए और कितने चाहिए? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझे ज्यादा नहीं, मुझे तो बस दो पद चाहिए। इधर लक्ष्मण जी पैने दृष्टि से हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगे, नहीं नहीं हनुमान जी, प्रभु श्री राम तो वैसे भी आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, आपकी सेवा के प्रति वो अत्यंत उदार हैं, तो जितने चाहिए उतने पद मांग लीजिए। हनुमान जी कहने लगे, नहीं लखन भैया, मुझे ज्यादा नहीं, बस दो ही पद चाहिए। श्री राम बोले, अवश्य 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 हनुमान, हम तुम्हें दो पद देने का वचन देते हैं। और इतना कहना था कि श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के दोनों चरणों को कस के पकड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले, अरे महावीर, अब चरण पकड़ने की क्या जरूरत है, अब जो मिलना था वो तो मिल गया, अब तो पद मांगिए। हनुमान बोले कि हे लखन भैया, आप सोच भी कैसे सकते हैं
कि इन पावन दो चरणों के अलावा मेरे मन में अन्य कोई कामना भी हो सकती है? मुझे तो अपने रघुनंदन के बस यही दो पद चाहिए। तो बस प्रभु, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। इन चरणों को पाकर गुरु भक्तों, एक शिष्य फिर मुक्ति और मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वो तो इन चरणों के प्रेम में लुट जाना चाहता है, मिट जाना चाहता है, अपने आप को समाप्त कर देना चाहता है। बस वो एक ही इच्छा रखता है कि ये पावन सुंदर चरण मेरे हृदय में बस जाए। गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पण भरा भाव ही समस्त भव रोगों की एक अचूक औषधि है। समस्या चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, लौकिक हो या अलौकिक, समस्त समस्याओं का समाधान गुरुदेव के पावन दो चरण ही हुआ करते हैं। गुरु भक्तों, गुरु महाराज जी की एक शिष्या जो कि अपने किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई हुई थी और उस समय उनको एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर चढ़ना था। जब वो उस पहाड़ पर चढ़ रही थी तो क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी बर्फ के कारण, और उस ठंड के कारण उनके जो पैर थे वो सूज गए और उनमें बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होने लगा। वो एक कदम भी उनके लिए चलना मुश्किल था। उस समय वो एक स्थान पर रुक गई और रुककर उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और वो महाराज जी को याद करने लगी, गुरु महाराज जी मैं कैसे आगे बढ़ूं? एक पग चलना तो दूर, मैं एक पग उठाने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। और तभी मानो उन्हें अपने पीछे से किसी की आहट आती हुई सुनाई दी, उन्होंने झट से पीछे अपनी गर्दन घुमाई। ये क्या, क्या वो कोई स्वप्न देख रही हैं? उन्होंने साक्षात महाराज जी को अपने पास, अपने नजदीक पाया और महाराज जी उनसे कहते, चलो बेटा आगे बढ़ें। और न जाने कहां से उनके अंदर वो उत्साह जागृत हो गया और वह बड़े बड़े डग भरती हुई महाराज जी के पवित्र सानिध्य का लाभ उठाती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच गई। और ये उनकी ट्रेनिंग कुछ दिनों बाद जब समाप्त हुई, उन्हें महाराज जी के दर्शनों का लाभ मिला, महाराज जी के कक्ष में पहुंची और महाराज जी के चरणों में जैसे ही उन्होंने मस्तक को झुकाया, ये क्या, महाराज जी के श्री चरण सूजे हुए और बहुत ही ठंडे हैं। वो महाराज जी के चरणों को देखकर बोली, महाराज जी ये आपके चरणों को क्या हुआ, ये इतने ठंडे और सूजे हुए क्यों हैं? तो जानते हैं महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी कहते, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने कदमों से चलकर उस पहाड़ पर चढ़ी थी और ये सुनना था कि वह जोर जोर से रोने लगी। अब दूसरी घटना घटती है कि महाराज जी के श्री चरण वह एकदम सहज हो गए, उनकी सूजन और ठंडक गायब हो गई। अब वो और हैरान होकर कहती, महाराज जी ये क्या, आपके चरणों की स्वेलिंग सब खत्म हो गई है, आपके चरण पुनः स्वस्थ हो गए। तो महाराज जी कहती, ये सब तुम्हें समझाने के लिए है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। ए पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। मुश्किलों के सफर में ओराही, तू कभी भी अकेला नहीं है। वो नजर तो नहीं तुमको आते, पर है हाथ मगर तेरे सर पर। तुझको मालूम हो या ना हो, उनका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आते, तू कभी भी अकेला नहीं है। ये महाराज जी का वादा है हम सभी से, एक गुरु का अपने शिष्य के लिए सदा और हर पल रहने वाला आशीर्वाद है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मुझे भूल सकते हो, पर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। ऐसा प्रेम देते हैं गुरु के श्री चरण। और गुरु भक्तों, जिन शिष्यों के हृदय में, जिनके मन में गुरु चरणों का वास होता है, फिर उनके जीवन में
अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। फिर ये समस्त प्रकृति भी उन पर अति प्रसन्न होकर वरदान लुटाती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर घटना आती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपाद जी की, जिनका पूर्व का नाम था सनंदन। सनंदन जो कि हर क्षण हर पल अपने गुरु के प्रेम में उनके दिव्य सानिध्य का लाभ उठाते, और एक दिन किसी कारण से सनंदन अलकनंदा नदी के दूसरे तट पर गए हुए थे, और इस तट पर गुरु शंकराचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ वार्ता कर रहे थे। अलकनंदा अपने पूरे तेज प्रवाह के साथ बह रही थी। बहुत ही सुंदर पर्वतीय क्षेत्र था, बर्फ से ढका हुआ। और उसी समय आचार्य के मन में एक विशेष प्रयोजन उत्पन्न हुआ, और वह सनंदन को अति व्याकुल भाव से पुकारते हैं, सनंदन सनंदन शीघ्र आओ। और इधर सनंदन ने जैसे ही गुरुदेव की ऐसी त्रस्त वाणी को सुना, वो विचलित हो गए, व्याकुल हो गए, सोचने लगे कि लगता है गुरुदेव किसी संकट में ना पड़ गए हों, और अगर मैं इस पुल से जाऊंगा तो बहुत विलंब हो जाएगा। और उसी समय अपने प्राणों की परवाह किए बगैर गुरु भक्तों सनंदन अलकनंदा नदी के उस तीव्र प्रवाह में ही कूद पड़ते हैं। इधर अन्य शिष्य जब इस दृश्य को देखते हैं तो वो हाहाकार कर उठे कि अब सनंदन का बचना मुश्किल है। लेकिन तभी अलकनंदा सनंदन जी की गुरु भक्ति को देखकर भाव विभोर हो गई, और उसी समय उन्होंने सनंदन के प्रत्येक पग के नीचे कमल के पुष्पों का जाल बिछा दिया, जिन पर पग रखकर सनंदन आज किनारे तक पहुंच गए और हांफते हांफते गुरुदेव के समीप पहुंचे। गुरुदेव, आपने मुझे पुकारा। और इधर आचार्य शंकर अपने अन्य शिष्यों को देखते हुए सनंदन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि देखा तुमने, मेरे सनंदन पर भगवती की कितनी कृपा है। सनंदन भाप गए कि गुरुदेव की यह अनुकंपा जो आज मुझ पर हुई है, इसे प्रकट करने के लिए ही गुरुदेव ने सारी लीला की है। और उसी समय सनंदन गुरु चरणों में मस्तक नवाते हैं और उनकी चरण धूलि को बार बार अपने शीश पर धारण करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुच परिवारु। तुलसीदास जी बहुत ही तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं, परम वैज्ञानिक बात है ये। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं, जो सुरुचि यानी कि भक्ति में रुचि को बढ़ाने वाली, ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाली सुगंध से भरी हुई है, जो संजीवनी बूटी के समान समस्त भव रोगों के परिवार का ही नाश कर देती है। हम रासायनिक प्रक्रिया यानी कि केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हम उत्प्रेरक के बारे में भी पढ़ते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, ये किसी भी रासायनिक रिएक्शन को उसकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी प्रकार गुरु भक्तों, जो गुरु चरणों की धूलि है, वह भक्ति भय भावों को प्रगाढ़ करने के लिए, भक्ति में मन लगाने के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। ऐसा परम वैज्ञानिक तत्व है गुरु चरणों की धूलि, ऐसा आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण है गुरु चरणों की पावन धूलि। गुरु भक्तों, गुरु के चरण एक शिष्य का संबल हुआ करते हैं, उसका सहारा हुआ करते हैं। जब गुरु महाराज जी समाधि में गए तो उस समय एक साधक को दिव्य अनुभूति में महाराज जी ने कहा कि जब तक हम समाधि से लौटकर नहीं आएंगे, तब तक ये मेरे दो चरण तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे। गुरु भक्तों, जानते हैं इसका आशय क्या है? क्योंकि महाराज जी जानते हैं
कि मेरे वियोग के दुख को ये कैसे सहन करेंगे, मेरे वियोग की पीड़ा में कहीं यह अपने जीवन से निराश ना हो जाए। इसलिए वो संबल दे रहे हैं कि निराश हताश परेशान मत होना, मेरे दो चरण तुम्हारे हृदय की भूमि को कभी बंजर नहीं होने देंगे, इनमें भक्ति की कलियां खिला देंगे। जैसे जैसे तुम मेरा चिंतन करोगे तुम्हारे हृदय में भक्तिमय पुष्प खिल जाएंगे, तुम्हें मेरा दर्शन तुम्हारे हृदय में प्राप्त होगा। इसलिए इन चरणों का सहारा लेकर इस समाधि काल में दृढ़वत साधना रत हो जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अवश्य आऊंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर अपनी सुंदर सी कविता में कहते हैं, मेरा हृदय कठोर है, तेरे कोमल चरणों के अयोग्य मुझे पता है, किंतु हे मित्र, जब इन चरणों का स्पर्श मेरे हृदय पर होगा तो क्या मेरे प्राण द्रवित होकर कोमल न होंगे? कदाचित मेरी उतनी साधना नहीं, परंतु जब तेरी कृपा के कण झरेंगे तो क्या मेरे हृदय की फुलवारी एक क्षण में न खिल उठेगी? गुरु चरणों का प्रभाव है ये, इसलिए गुरु भक्तों इन चरणों को थाम के रखो और मानसिक प्रणाम हर क्षण हर कण में उनको करते रहो। न जाने कब उनके हृदय के द्वार खुल जाए और उनका हंसता मुस्कुराता उत्साह से भरा चेहरा हमारे सामने प्रकट हो जाए, हमें उनका दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए। गुरु भाइयों बहनों, जहां इन चरणों की समीपता, इनके प्रति अगाध प्रेम मन को शांति सुख और आनंद से भर देता है, वहीं जब शिष्य के मन में अविश्वास और संशयों की तरंग उठती है तो फिर वह इन चरणों से दूर भी हो जाता है। क्योंकि गुरु चरणों से प्रेम का मतलब है गुरु की व्यवस्था से प्रेम, गुरु चरणों से प्रेम का मतलब है गुरु की जो अनुशासन है उससे प्रेम, उसके प्रति कृतज्ञ भाव। और जब एक शिष्य गुरु की अनुशासन गुरु की व्यवस्था के प्रति शंकालु हो जाता है तो समझ लीजिए वह गुरु चरणों से उसकी दूरी का आरंभ है। और किस प्रकार यह दूरी फिर एक शिष्य को दुखों के भंवर में उलझा देती है, इसका भी सुंदर उदाहरण हम पद्मपाद जी के जीवन से समझते हैं। पद्मपाद जी का जीवन इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आइए सीखते हैं। आचार्य शंकर के मन में इच्छा थी कि वो अपने द्वारा लिखे गए भाष्य सूत्र पर वार्तिक लिखवाएं, और इसके लिए उन्होंने एक अन्य शिष्य को चुना जिसका नाम था सुरेश्वराचार्य। वो सुरेश्वराचार्य को बुलाकर कहती हैं कि हे पुत्र, मेरी हृदय से इच्छा है कि तुम मेरे सूत्र भाष्य पर वार्तिक रचना करो। सुरेश्वराचार्य जो गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम से भरे थे, गुरु चरणों को थाम कर कहती हैं, गुरुदेव इससे बड़ी और क्या कृपा होगी कि आपने मुझे अपनी सेवा के योग्य समझा, परंतु प्रभु मैंने आपका ये सूत्र भाष्य पढ़ा है और इसको समझने की कोशिश भी की है, यह बहुत ही युक्ति तर्क और प्रमाण सहित लिखा हुआ है, परंतु मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं इस पर वार्तिक लिख सकूं। आपके कृपा के बिना ये असंभव है, आप कृपा करें तो कुछ संभव हो सकता है। और आचार्य शंकर ने दोनों हाथ उठाकर सुरेश्वराचार्य जी के मस्तक पर रख दिए, अवश्य तथास्तु, तुम इस कार्य को आरंभ करो। और सुरेश्वराचार्य जी गुरु कार्य को करने में संलग्न हो गए। अब देखिए क्या घटता है। जो अन्य शिष्य थे वो पद्मपाद जी से विचार करते हैं कि यह तो गुरुदेव ने उचित नहीं किया, क्योंकि अभी सुरेश्वराचार्य जी को आए हुए बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, ये योग मार्ग से कुछ ही समय पहले जुड़े हैं,
इन्होंने संन्यास भी अभी अभी धारण किया है, और ये कैसे लिख सकते हैं गुरुदेव के वचनों को अपनी बुद्धि के अनुसार, कहीं उनके अर्थों को ही अनर्थ ना कर दें। तो हमें गुरुदेव से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सभी शिष्य आचार्य शंकर से अपने मनोभाव रखते हैं और कहते कि गुरुदेव, हमें लगता है कि जो कार्य आपने सुरेश्वराचार्य जी को दिया है, उसे करने में तो योगियों में उत्तम पद्मपाद ही हैं। वही एकांत में बैठकर आपके सूत्र भाष्य पर बहुत अच्छी वार्तिक लिख सकते हैं। अतः आप उनको मना कर दीजिए और पद्मपाद जी को ये कार्य सौंपिए। गुरुदेव इस बात को सुनकर बहुत चिंतित और दुखी हो गए। उन्हें नहीं आशा थी कि शिष्यों के मन में यह विचार किस प्रकार बैठा है। और उस समय गुरु भक्तों, आचार्य शंकर सोच में पड़ गए। ऐसा ही होता है जब गुरुदेव की व्यवस्थाओं के प्रति हम शंकालु होते हैं। जिसने समस्त ब्रह्मांड बनाया, जब वह साकार होकर धरती पर आता है, उसको भी हम अपनी बुद्धि से तोलते हैं, उसको अपने तरीकों से तोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति बाग में घूमने के लिए गया और घूमते हुए उसने देखा कि बेल पर तो कद्दू लगे हैं और पेड़ पर लगे हैं सेब, और वो हंसते हुए मजाक बनाते हुए कहता है, हे ईश्वर, आप थोड़ी सी बुद्धि आज के विज्ञान से भी ले लेते। आपने पतली सी बेल पर कद्दू लगा दिए और इस वृक्ष पर छोटे छोटे सेब लगा दिए। और ऐसा कहते हुए वह इसी प्रकार मीन मेख निकालता हुआ उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसको कुछ ही क्षण में नींद आ गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और एक सेब टूटकर उसके सिर पर जोर से गिरा। जैसे ही गिरा, झट से उसकी आंख खुली, हाय हाय कहता हुआ उसकी नजर कद्दू पर पड़ी तो उसने हाथ जोड़ लिए। जानते हैं क्या कहा? शुक्र है प्रभु, तुमने इस पेड़ पर कद्दू नहीं लगाए, अगर कद्दू लगते तो आज मेरे सिर का क्या होता। इसलिए गुरु भक्तों, एक शिष्य कहता है, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पे ना बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है, जहां का एक एक कण उसका गुलाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके, इंसान की मजाल क्या जो इनका क्रम बदल सके। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जिसने सारी सृष्टि बनाई, ऐसा अनुशासन, ऐसी व्यवस्था, हम उसे व्यवस्था समझाते हैं, उसको प्रिंसिपल समझाते हैं, उसको अनुशासन समझाते हैं। ऐसे कीजिए, इस प्रकार कीजिए, श्री गुरु महाराज जी ने दिव्य धाम के मंच पर कहा था कि गुरु की नजदीकी और गुरु की दूरी दोनों ही खतरनाक होती हैं। एक साधक ने प्रश्न कर लिया, महाराज जी, दूरी का तो समझ आता है, परंतु नजदीकी कैसे खतरनाक हो सकती है? महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुरु के हृदय के नजदीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि गुरु की देह के ही नजदीक हैं और हृदय से दूर हैं, तो यह भाव एक गुरु को मनुष्य के रूप में ही देखते हैं। फिर साधक गुरु को अपने जैसा देखता है, उसे लगता है, मैं तो गुरु के साथ रहता हूं, मुझे तो गुरु महाराज जी का बहुत अनुभव है, मुझे मालूम है गुरु महाराज जी कब कौन सा आंसर देते हैं, और मैं सब कुछ जानता हूं उनके बारे में। इसलिए महाराज जी कहते कि जब गुरु कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं, तो वह शिष्य अपने बुद्धि की तर्कों की तलवार से गुरु के वचनों में काट छांट करता है, और बस यही कारण है गुरु से फिर बाहर से भी दूर हो जाता है। और यही गलती आज पद्मपाद जी से भी हुई,
और वह मन में सोच रहे हैं कि गुरुदेव मुझे वार्तिक लिखने के लिए कहें। उनके मन में एक महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया, एक इच्छा ने जन्म लिया और यही इच्छा फिर गुरु के वचनों को अपनी बुद्धि के अनुसार तोल रही है। और गुरुदेव सुरेश्वर आचार्य जी को बुलाकर कहते हैं कि पुत्र देखो, अन्य शिष्यों की ऐसी इच्छा है कि पहले तुम तत्व ज्ञान से परिपूर्ण युक्ति तर्क और प्रमाण सहित कोई विशेष ग्रंथ लिख लो। और पद्मपाद जी को भी कहते हैं कि तुम भी वार्तिक मत लिखो, तुम भी कोई अन्य ग्रंथ लिखो। और इस प्रकार कुछ ही दिनों में सुरेश्वराचार्य जी ने नैष्कर्म सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा, जिसे उन्होंने पढ़ा। आचार्य शंकर ने जब पढ़ा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अन्य शिष्यों को भी पढ़ने के लिए दिया। शिष्यों ने जब उस ग्रंथ को पढ़ा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें ज्ञान की, ध्यान की, भक्ति की इतनी सुंदर महिमा लिखी हुई थी और उनका संशय दूर हो गया। और इधर पद्मपाद जी ने भी ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विजय डंडिम, जिसको गुरु ने पढ़ा, वो प्रसन्न हुए। परंतु वार्तिक लिखने के लिए अब गुरुदेव ने ना तो सुरेश्वराचार्य जी को कहा और ना ही पद्मपाद जी को कहा। इस बात से पद्मपाद खिन्न हो गए, उनके मन में आत्मग्लानी का भाव उत्पन्न हो गया। प्रेम तो गुरु से करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी बीच में आता है, कहीं ना कहीं कोई चूक होती है और वही चूक दुख का कारण बन जाती है। अब सोच रहे हैं कि मैंने गुरुदेव के कार्य में बाधा डाली, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरु आश्रम में रहकर बार बार वही चीजें, वही बातें मेरे मस्तक में घूम रही हैं, तो क्यों ना मैं कुछ समय बाहर चला जाऊं, तीर्थ कर आऊं, इससे मेरा मन भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। और वह गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं। गुरुदेव से कहते हैं कि आचार्य शंकर, मैं तीर्थ करना चाहता हूं। आचार्य शंकर ने जैसे ही पद्मपाद के मुख से ये बात सुनी, वो चिंतित हो गए। उन्होंने पद्मपाद को अपने समीप बिठाया और बड़े प्रेम से उनको समझाते हुए कहते हैं, हे वत्स, तीर्थ क्यों करना चाहते हो? जिस शांति को ढूंढने के लिए तुम गुरु ग्रह का त्याग कर रहे हो, जानते हो शारीरिक, मानसिक और प्रारब्ध कर्मों के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जीव अनंत जन्म भटकता है, परंतु उसे मुक्ति और शांति नहीं मिलती, क्योंकि यह शांति और सुख तो केवल गुरुदेव के चरण ही होते हैं। इसलिए तुम तीर्थ करने बाहर क्यों जाते हो? गुरु स्वयं ही तीर्थों के भी तीर्थ हैं। गुरु भाव परम तीर्थम, गुरु के प्रति समर्पण भरा भाव ही वास्तविक तीर्थ है। गुरु के चरणों का जल ही, हे पद्मपाद, समस्त सागरों का जल है, समस्त तीर्थों का जल है। और गुरु के सानिध्य में की गई सेवा ही वास्तव में तीर्थों पर की गई सेवा है। इसलिए अन्य कहीं मत जाओ, अन्य कहीं मत जाओ। और वैसे भी पद्मपाद, तुम दिन भर तीर्थ यात्रा करोगे और उससे तुम अत्यंत थक जाओगे और रात्रि में फिर सो जाओगे, तो फिर तत्व चिंतन कब करोगे? शांति को पाने का प्रयास कब करोगे? इसीलिए तुम तीर्थ पर मत जाओ, गुरु की सेवा में अपने मन को लगा दो और गुरु चरणों में बैठकर, गुरु दरबार में बैठकर ही ध्यान करो, मनन करो, स्वाध्याय करो, यही एकमात्र उपाय है। सब मुझ पर सौंप दो, अपने मन में कोई बात मत रखो, तुम उन विचारों का त्याग कर केवल मेरा चिंतन करो, देखो तुम्हें शांति मिलेगी। लेकिन पद्मपाद नहीं मानते, वो कहते, नहीं गुरुदेव, बस मेरी इच्छा है, मैं रामेश्वरम और सेतु बंध का दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुदेव मुझे मन से आज्ञा तो दे देते हैं, लेकिन सावधान भी कर देते हैं। इधर पद्मपाद तीर्थ पर निकल पड़े। सेतु बंध और रामेश्वरम के बीच में अन्य और भी तीर्थ पड़ते थे, जिनका भ्रमण करते करते वो उस स्थान पर पहुंचे जहां उनका ननिहाल था। ननिहाल में मामा ने जब अपने भांजे को देखा तो उसके सन्यासी वेश को देखकर तो वो बड़े दुखी हुए, परंतु बाहर से बड़ी प्रसन्नता दिखाते हुए उनको अपने घर लेवा लाए।
और उनसे आग्रह करने लगे कि तुम कुछ दिन यहाँ पर विश्राम करो। पद्मपाद जी भी अपने मामा के आग्रह को नहीं टाल पाए और रुक गए। अब मातुल जो मामा हैं, वो एक बहुत बड़े विद्वान हैं प्रकांड, और वो पद्मपाद जी से पूछती कि तुम्हारे हाथ में जो ये ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? अब पद्मपाद जी बताते कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे ग्रंथ लिखवाया है, ये विजय डिंडी नाम का ग्रंथ है, जिसमें मैंने उस ईश्वर की महिमा लिखी है। इसमें मैंने लिखा है कि आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, माया के कारण ही भिन्नता है। जब आत्मज्ञान प्रकट होता है, गुरु कृपा होती है, दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, तो भीतर ही प्रकाश प्रकट हो जाता है और भ्रम मिट जाता है। फिर आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को जान जाती है। जैसे रस्सी अंधेरा होने के कारण ही सर्प की तरह दिखाई देती है, परंतु प्रकाश होते ही रस्सी में से सर्प का भय समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार, और जब मामा जी ने इस प्रकार तर्कपूर्ण विचारों को सुना तो उन्हें भय हो गया कि यदि यह ग्रंथ, इसका प्रचार पद्मपाद इसी प्रकार समाज में करते रहे तो लोग ईश्वर दर्शन की ओर प्रेरित हो जाएंगे, ध्यान की ओर प्रेरित हो जाएंगे, हमारी बात कौन सुनेगा? और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और पद्मपाद से कहने लगे कि देखो वत्स, तुम आगे की यात्रा कर आओ और कुछ दिन ये ग्रंथ मुझे दे दो, मैं इसका अध्ययन करूंगा। इधर पद्मपाद गए और जब 3 दिन बाद वापस लौटे तो वो क्या देखते हैं कि मामा का तो घर ही जल गया और मामा जी भी अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए पद्मपाद से कहने लगे कि वत्स, क्या करूं, मेरे घर में आग लग गई और तुम्हारा जो वो ग्रंथ था वो भी जलकर नष्ट हो गया, जबकि मामा जी ने खुद स्वयं ही अपने घर को आग लगा दी जिससे वो ग्रंथ शेष ना बचे और किसी को शक भी ना हो। पद्मपाद कहने लगे, कोई बात नहीं, ग्रंथ ही तो जला है, मेरी बुद्धि तो नहीं जली, मैं पुनः अपने गुरु की कृपा से फिर एक नए ग्रंथ की रचना कर दूंगा और जो विचार आपके और मेरे बीच में हुए हैं उनको और विस्तार पूर्वक लिखूंगा। अब तो मामा जी और चिंतित हो गए और उन्होंने उस रात्रि पद्मपाद को भोजन में विष दे दिया। देखिए, ये गुरु आज्ञा न मानने का, गुरु के चरणों से दूरी का परिणाम है कि आज ऐसी प्रारब्ध का ऐसा चक्र चला जिस भवर में आज पद्मपाद फंसे। और जब वो प्रातः काल उठे भगवत प्रेमियों, तो उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई थी, मतलब वो सोच कुछ रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, वो चलना कहीं चाहते हैं, कदम कहीं पड़ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया। वैद्यों के पास गए परंतु कोई उपचार नहीं है, अब रो रहे हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मालिक किस्मत ही बदल जाए, मैंने भूल की है गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे समझ आ गया है, अब समझ आया है, ठोकर खाकर मैंने जाना है, अब मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपका अंतिम समय तो दर्शन कर पाऊं। और गिरते पड़ते कठिन मार्ग को तय करते किसी तरह से पद्मपाद वापस गुरु के पास पहुंचे। आचार्य शंकर ने पद्मपाद जी को देखा, उत्साहित होकर उनका स्वागत किया, लेकिन पद्मपाद तो रो रहे हैं, तुरंत चरणों को पकड़ लिया, बिलक बिलक कर रोने लगे। गुरुदेव कहते, कुशल तो है? पद्मपाद कहते, नहीं गुरुदेव, कुछ कुशल नहीं है, भला कौन कुशल रह सकता है, गुरु के चरणों से दूर होकर कौन कुशल रह सकता है। हे नाथ, मुझसे बहुत भारी भूल हुई, और सारी कथा सुना दी कि किस प्रकार वह ग्रंथ जला और किस प्रकार मेरी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है। गुरु प्रेम से शीश को सहलाते हैं, उन्हें अपने समीप बिठाकर प्यार से दुलार कर रहे हैं, स्नेह भरे हाथों से उनके शीश को सहलाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो पद्मपाद, अगर ग्रंथ जल गया है तो कोई बात नहीं, बुद्धि विक्षिप्त हो गई है कोई बात नहीं, वैसे भी इस संसार में सब माया का ही तो प्रपंच है, इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो केवल ईश्वर, केवल परमात्मा, इसके अलावा तो सब मिथ्या है, एक दिन समाप्त तो हो ही जाना है, फिर भी
तुम वह ग्रंथ पुनः मेरी कृपा से लिख लोगे, मुझे सब याद है तुमने मुझे सुनाया था, मैं बोलूंगा और तुम लिख लेना। और इस प्रकार प्रेम से उनके शीश पर हाथ फेर रहे हैं और करते करते भक्तों उसी क्षण पद्मपाद की जो अवस्था थी, जो जड़ता थी, वह सारी मन की जड़ता, बुद्धि की जड़ता, वो भी समाप्त होती है और शारीरिक अवसाद भी दूर हो जाते हैं और पद्मपाद पुनः गुरु चरणों से जुड़ जाते हैं और अपनी गलतियों का पश्चाताप कर फिर से भक्ति मार्ग के पथिक बनते हैं, गुरु भक्त बन जाते हैं। इसलिए उनकी ये कथा हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण संदेश दे रही है कि युग युग से समस्त ग्रंथ हमें समझा रहे हैं कि यदि हम अपने मन के भीतर गुरु की व्यवस्था के विपरीत कोई भी भाव मन में लाते हैं तो गुरु भक्तों, हम वास्तव में गुरु के प्रति ही अविश्वास उत्पन्न करते हैं और यही अविश्वास हमें गुरु चरणों से दूरी देता है, यही हमारे पतन और कष्ट का कारण बनता है। इसलिए गुरु भक्तों, हमें अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अपना पूर्ण समर्पण कर उनकी कृपाओं को लूटना है और ऐसी घटनाएं, ऐसी दिव्यता उन भक्तों के जीवन में ही नहीं भरसती थी जो इतिहास में, ग्रंथों में जिनका नाम आता है। आज भी गुरु महाराज जी के दरबार में ऐसे भक्तों की जीवन की गाथाएं, जिन पर महाराज जी की ऐसी दिव्य कृपा हुई, जिनके मन में गुरु चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और कैसे गुरु उनके भाग्य को बदल देता है, इस एक घटना को मैं जरूर आपको सुनाना चाहती हूँ। ये पंजाब प्रांत की घटना है। वहां पर एक गुरु भाई रहते थे जिन्होंने, जो अपने पूर्व समय में जब तक उनको दीक्षा नहीं मिली थी तब वह एक तरीके से पागल ही थे। अपने कुछ पाप कर्मों की वजह से वह विक्षिप्त हो गए थे, पागल हो गए थे और उनके घर वाले उनको जंजीरों में बांध कर रखा करते थे। पड़ोसी उनसे भयभीत रहते थे और माँ अपने बेटे को जंजीरों में बंधा देकर दिन रात आंसू बहाती थी, हे पुत्र, यदि तू जीव जंतुओं को मार मार कर न खाता, यदि तुम पशु पक्षियों पर दया करता, यदि तू अपने जीवन में शुभ कर्म करता पुत्र, तो तुझे आज इस प्रकार बेड़ियों में बंद कर ना रहना पड़ता। और रोज प्रार्थना करती, हे भगवान, तुम दया करो, तुम कृपा करो। और एक दिन उस गांव की जो संगत थी वो गुरु पूजा मनाने के लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जा रही थी और ट्रक में बैठ रही थी और इधर ये जंजीरों में बंधा भाई भी न जाने कैसे अपने आप ही ट्रक में बैठ गया। कुछ लोगों ने कहा इसे उतारो, तो एक वृद्ध माता जी कहती कि नहीं नहीं, इसे उतारो मत, अगर ये बैठा है तो अवश्य गुरु महाराज जी चाहते हैं, इसे मत उतारो, बल्कि इसकी माता जी को साथ ले लो। और इस प्रकार वो गुरु दरबार पहुंचे, वहां पर स्वामी भैया को सारी बात बताई, स्वामी जी ने उस भाई की सारी जंजीरें खुलवा दी और अब सिर्फ दो सेवादार नियुक्त किए जो उसकी सुरक्षा करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। और इस प्रकार वह गुरु भाई कहते हैं कि वहां पर मैं एक अदृश्य बंध जंजीरों में बंधा था, बाहर से बेड़ियां खुल चुकी थी परंतु एक अलौकिक बंधन था जो मुझे कुछ भी गलत करने नहीं देता था, जिसने मेरे मन को बांध दिया था। वहां मैंने औरों को सेवा करते देखा तो मैं भी भारी भारी सेवाएं करने लगा और इस प्रकरण में जो मुझे सबसे सुंदर लगा वो था गुरु महाराज जी का दर्शन। जब महाराज जी को मैंने पहली बार देखा तो उनके वो सुंदर मुखमंडल को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा मैंने इससे पवित्र कुछ भी संसार में नहीं देखा है और मेरा मन किया कि मैं उनके समीप दौड़कर चला जाऊं, परंतु जैसे ही प्रयास करता सेवादार मुझे पकड़ लेते। वो गुरु भाई कहते हैं कि इस प्रकार 10 दिन बीत गए, रोज मैं महाराज जी का दर्शन करता पर दूर से, और आज 11वें दिन की प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है। और जब वो गुरु भाई कहते कि मैं उस 3:30 बजे अचानक मेरी आंख खुली और मैं बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि महाराज जी 2 सेवादारों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। और उस समय बस मेरे मन की मुराद पूरी हुई और मैं झट से दौड़कर महाराज जी के चरणों से लिपट गया और रोने लगा। मैं रोता जा रहा था, सेवादार भाइयों ने मुझे पकड़ लिया
परंतु महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं इसे रहने दो। कुछ क्षण बाद मेरा रोना बंद हुआ और मैंने अपने मस्तक को उठाया तो महाराज जी ने मेरे शीश पर हाथ रखा और महाराज जी बोले, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं। महाराज जी ने कहा, क्या हुआ, क्यों रोते हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं। महाराज जी कहते कि अगर तुम कहते हो कि कुछ नहीं तो फिर आज से तुम्हें कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए महाराज जी मुस्कुराते हुए चले गए। लेकिन गुरु भक्तों, वो क्या ले गए और वो क्या दे गए, ये तो मेरा हृदय जानता है और मेरे महाराज जी जानते हैं। उनका वो पवित्र देखना, उनकी वो पवित्र दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे पापों का सारा पहाड़ जलाकर चले गए। वो अपने चरणों का ऐसा पावन स्पर्श मुझे दे गए कि मेरी जड़ता का हरण कर लिया। और उसी क्षण गुरु भक्तों, मैं स्वस्थ हो गया, मेरी बुद्धि ठीक हो गई, मेरे शरीर की सारी बीमारियां रोग समाप्त हो गए और मेरी बुद्धि में भक्ति का संचार हो गया। ये है मेरे गुरुदेव के पावन चरणों के सानिध्य का प्रभाव। इसलिए गुरु भक्तों, आज इस कलिकाल में हम पर भी गुरु महाराज जी की कृपा हुई है, हमें भी उनके चरणों का दिव्य सानिध्य प्राप्त हुआ है, हमें भी उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है। आज इस कलिकाल में उनके चरण हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं, चरे वेति, चलते रहो, थको मत, रुको मत, हताश निराश मत हो, तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हारे समीप ना पहुंच जाए और तुम मंजिल तक ना पहुंच जाओ, इस गति से आगे बढ़ो। तो ऐसे पावन पवित्र श्री चरणों में, ऐसे पावन पवित्र गुरुदेव के श्री चरणों में बस मैं इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देना चाहूंगी। जिनकी करुणा से पतितों के पाप सभी धुल जाते हैं, हृदय जिनका है विशाल और विश्व शांति उद्घोष है, ऐसे प्यारे भक्त दुलारे मेरे आशुतोष हैं, ऐसे प्यारे भक्त दुलारे मेरे आशुतोष हैं, ऐसे प्यारे भक्त दुलारे मेरे आशुतोष हैं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।